बड़ी खबर आ रही है आपके लिए, राहत की खबर। अक्सर जब आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई बार आपसे सर्विस चार्ज वसूला जाता है। ऐसे में ये खबर आपके लिए बड़ी राहत की है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये ग्राहक पर निर्भर करता है, यानी आप पर निर्भर करता है कि आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। बता दें, अभी 5% से लेकर 20% तक सर्विस चार्ज वसूला जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिशिर, ग्राहक की नजर से, आम लोगों की नजर से इस खबर को कितना अहम माना जाए? बहुत ही अहम है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि लोग सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज में हमेशा कंफ्यूज करते हैं, और लोगों को लगता है कि जो सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है वो सरकार वसूल रही है, जबकि हकीकत यह है कि तमाम होटल और रेस्टोरेंट जो है वो बिल के अमाउंट के 5-20% के बराबर वो सर्विस चार्ज लेते हैं, और जो आप टिप अलग अलग वेटर्स को देते हैं वो सभी एक जगह इकट्ठा करके वेटर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ग्राहक के ऊपर ये क्यों थोपा जाए, और इसी को लेकर के उपभोक्ता मामला मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा था होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन से। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि डिस्क्रिशनरी है, यानी कि वैकल्पिक है, अगर ग्राहक चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। और ये स्थिति साफ होने के बाद जब भी आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि सर्विस टैक्स सरकार के खाते में, सर्विस चार्ज होटल या रेस्टोरेंट के खाते में जाता है, और अगर आप सेवा से संतुष्ट नहीं है तो आप नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका इस जानकारी के लिए। तो सर्विस चार्ज पर सरकार ने दी है ये बड़ी राहत। होटल रेस्टोरेंट में अगर आपको सर्विस खाना पसंद नहीं आता है तो 5-20% का जो सर्विस चार्ज होटल वाले आप पर लगाते हैं वो देना आपके लिए बाध्य नहीं है। आप चाहें तो उसे ना दें। सरकार ने ये साफ कर दिया है।